आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक ऑर्फन है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है, वो एक नॉर्मल से वर्ल्ड में अपनी आम जिंदगी जी रहा था नॉर्मल से गेम्स खेलते हुए। लेकिन एक दिन अचानक से उसे बिना पता लगे वो एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। वो वर्ल्ड मैजिकल वर्ल्ड थी, लेकिन वहां पर टेलीपोर्ट होने के बाद भी वो बहुत ही कमजोर ही था, जिस वजह से कहानी शुरू होते ही वो मरने वाला था। लेकिन तभी अचानक से वो अपने आप ही एक गॉडेस को वहाँ पर समन कर लेता है, जिसके बाद उसे गॉड की तरफ से पावर्स मिलती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर युआन को दिखाया जाता है, जो कि अभी एयरपोर्ट से कहीं पर जा रहा था। लेकिन एयरपोर्ट का जो रास्ता था वहाँ से वो हेडफोन लगाते हुए चल रहा था, और उसी दौरान टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ होती है और एक पोर्टल सामने आता है। युआन गाना सुनते हुए जा रहा था, इस वजह से उसका ध्यान वहाँ पर नहीं था, और वो उस पोर्टल को पार कर लेता है और एक दूसरे पोर्टल में एंटर करता है, जिसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी आंखें तब खुलती है जब उसके सामने से एक ड्रैगन भाग रहा था। वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पर है, जबकि पहले वो एक हाईटेक एयरपोर्ट पर था। यहाँ पर उसे कुछ गर्ल्स भी दिखती है जो कि हवा में उड़ रही थी। वो समझ गया था कि वो अपनी दुनिया में तो नहीं है, उसे वहाँ पर ड्रैगन उड़ते हुए दिख रहे थे, और वहाँ के जानवर भी हमारी धरती की तरह नहीं थे। वो आगे बढ़ता है देखने के लिए कि शायद उसे आगे कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन उसे एक स्टोन गॉड मिलते हैं। असल में ये सिर्फ एक पत्थर है। वहाँ पर दो मैजिशियंस भी थी जो बताती है कि अगर युआन इस पत्थर पर हाथ रखेगा तो इससे उसकी मैजिक पावर की स्ट्रेंथ पता चलेगी। वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे वर्ल्ड में आ गया हूँ जहाँ पर मैजिक है। वो उस पत्थर पर हाथ रखता है और अचानक से वो पत्थर बहुत ही तेज चमकता है, लेकिन वो दोनों मैजिशियन उसे डिस्क्वालीफाई कर देते और बताती है कि उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। ये सुनकर युआन का दिल टूट चुका था। वो पूछता है कि इस पर तो लाइट जल रही थी। इस पर वो मैजिशियन बताती है कि इस पर अलग अलग कलर में लाइट जलती है, सभी कलर्स अलग अलग मैजिक के टाइप्स को बिलोंग करते हैं, और तुम्हारी केस में व्हाइट लाइट जली है जो कि किसी मैजिक टाइप को बिलोंग नहीं करती। हालांकि तभी एक दूसरी मैजिशियन नोटिस करती है कि उस स्टोन पर व्हाइट लाइट के अलावा एक हल्की सी ग्रीन लाइट भी थी। वो बताते हैं कि तुम्हारे पास वुड मैजिक की पावर है, लेकिन ये इतनी ज्यादा कम है कि अभी तक इस वर्ल्ड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जिसके मैजिक में इतनी कम पावर हो। युवान इस चीज से बहुत डिप्रेशन में चला गया था। वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो बहुत दुखी था और बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि जब उसके पास कोई खास मैजिक पावर है ही नहीं, तो फिर उसे इस तरह के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट क्यों किया गया है। वैसे अब तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं। वो युआन को बताते हैं कि उसे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जो वुड मैजिक की पावर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इस वर्ल्ड में वो दूसरा पर्सन है जिसे ये पावर मिली है। वो बताते हैं कि वुड मैजिक की पावर बहुत काम की पावर होती है, क्योंकि इससे वो फार्मिंग भी कर सकता है। हालांकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इस वजह से कुछ टाइम तक उसे इस पावर को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अब कुछ हफ्ते तक वो यही करता है, जिससे उसकी पावर इतनी तो हो चुकी थी कि वो किसी प्लांट को जल्दी जल्दी ग्रो कर पाए। वैसे अब एक रात उसे वहीं पास के झाड़ियों में दो लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़की के साथ थे। उनमें से एक लड़का भी उस लड़की की गर्दन पर किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की एक वैम्पायर में बदल जाती है और उसके अंदर से उसका सारा ब्लड पी लेती है, जिससे वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। और अब ये देखकर वो दूसरा लड़का तुरंत ही अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो लड़का भी जमीन से बड़े बड़े पत्थर निकालकर यहाँ पर हमला कर रहा था, लेकिन वो वैम्पायर गर्ल अपनी पावर से वहाँ पर कुछ वाइन समन कर लेती है और उनसे उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो लड़का वहाँ से भागता है, पर वो वैम्पायर उसे भी पकड़ लेती है और उसका ब्लड भी पीने लगती है। ये देखकर युआन बहुत ही घबरा गया था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी भागते हुए उस वैम्पायर ने देख लिया था। वो वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वो वैम्पायर गर्ल उसके सामने आ जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। युआन फिर से डरता और भागता है, लेकिन अब उस वैम्पायर गर्ल ने उन वाइन से उसे पकड़ लिया था। वो उन वाइन से उस पर हमला करती है और वो लगभग मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद अचानक से उसके सामने एक फेरी गर्ल आ चुकी थी। युआन को लगता है कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, इस वजह से शायद ये उसकी सर्वेंट होगी, लेकिन वो बताती है कि वो हेल से आई है और वो यहाँ पर युआन को खत्म करने के लिए आई है। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन युआन पहले ही मारा जा चुका था। ये देखकर अब पहले वो उन वाइन्स को काटती है और युआन को वहाँ नीचे लेकर आती है। उसके अंदर जो वैम्पायरिक ऑरा था उसे खींचकर वो यहाँ उस वैम्पायर गर्ल पर हमला करने लगी थी। वो वैम्पायर गर्ल उसे बताती है कि युआन उसका खाना है, इसलिए वो उसे नहीं जाने देगी। लेकिन जब वो उस पर हमला कर रही थी, तब उस फेरी गर्ल ने एक ही अटैक में उस वैम्पायर गर्ल को हरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरी लेडी को देखते हैं जिसने ये एनर्जी को महसूस कर लिया था। वो कह रही थी कि लगता है अब समय आ चुका है। वैसे यहाँ पर अभी उस फेरी गर्ल ने उस वैम्पायर के अंदर से युआन की वो एनर्जी जो कि उसने वापस से रोक ली थी उसे निकाल कर वापस युआन की बॉडी में डालती है, जिसके बाद युआन फिर से जिंदा हो चुका था। युआन उससे पूछता है कि वो कौन है
और क्या वो उसकी मेड बनेगी, लेकिन इस पर वो फेरी गर्ल कहती है कि नहीं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, जिस पर युवान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। वो बताती है कि उसने युवान की जान इसीलिए बचाई जिससे कि वो युवान को खत्म कर सके, और इसके बाद इतना कहकर वो हमला भी करने लगी थी, लेकिन जब वो युवान के ऊपर अपनी तलवार से कट लगाती है तो इससे उसके हाथ पर भी कट लग जाता है, जो देखकर वो बहुत ही हैरान थी। वो उससे पूछती है कि वो किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसने कुछ देर पहले इस एनर्जी को महसूस किया था। वो लेडी कहती है कि वो सोयू एकेडमी की चेयरमैन है। वो यहाँ पर उस फेरी गर्ल से कहती है कि अगर वो युवान पर हमला करेगी और उसे डैमेज पहुँचाएगी तो इससे उसे भी डैमेज पहुँचेगा, क्योंकि युवान उसका समनर है। लेकिन वो फेरी गर्ल नहीं मानती और वो फिर से उसके ऊपर हमला करती है, जिसके बाद उसे और भी ज्यादा चोट लग गई थी। ये देखते हुए अब वो लेडी वहाँ युवान के पास आकर उसे एक मिस्टीरियस बुक देती है और उससे कहती है कि वो इस बुक के ऊपर हाथ रखे और अपनी एनर्जी का यूज करने की कोशिश करे। युवान सेम वैसा ही करता है, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी खुद ब खुद बोलने लगती है कि उस फेरी को वापस से लौटकर इस बुक में आना होगा, जिसके बाद वो फेरी गर्ल उस बुक के अंदर चली जाती है और फिर युवान को उसका नाम यहाँ पर मोफी पता चलता है। और बाद में वो लेडी युवान को बताती है कि वो ये बुक युवान को दे सकती है, इससे वो मोफी के साथ और जिन जिन फेरीज को समन कर सकता है उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जान पाएगा। लेकिन वो लेडी कहती है कि इसके लिए उसकी एक शर्त है, वो सोऊ एकेडमी की चेयरमैन है, इसीलिए वो चाहती है कि युवान उनके स्कूल को ज्वाइन करे और इसके बदले वो युवान को 3 और फेरी सीट्स देगी, जिसके अंदर से मोफी से भी ज्यादा पावरफुल फेरी निकलने के चांसेस हैं। ये सुनकर युवान बहुत खुश हो जाता है। वो घुटनों के बल पे आते हुए कहता है कि वो उनकी एकेडमी का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनेगा। वैसे वो अभी ये सोच रहा था कि आखिर इन सीट्स के अंदर से किस तरह की फेरी गर्ल्स बाहर आएंगी। वैसे उसी रात वो उस बुक को पढ़ रहा था, जिसके बाद अचानक से वो बुक एक्टिवेट होती है और युवान को जानने को मिलता है कि इस बुक से वो हर एक फेरी की पास्ट लाइफ को जान सकता है। असल में फेरी जन्म नहीं लेती, बल्कि वो किसी की री इंकारनेशन होती है, और अगर उसे किसी फेरी का मास्टर बनना है या समनर बनना है तो इसके लिए उसे फेरी के पास्ट को देखना होगा और पास्ट में जाकर उसके साथ दोस्ती करनी होगी। वैसे वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मोफी के पास्ट मेमोरीज में जा सके और वहाँ उसके साथ दोस्ती कर सके, इसीलिए वो इस चीज को 24 घंटे के लिए टाल देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो अभी स्कूल के लिए आया हुआ था, जहाँ पर सभी स्टूडेंट बहुत बुरा फेस बनाए हुए थे, क्योंकि युवान एक फेलियर है और उसके पास ज्यादा अच्छी मैजिक पावर नहीं है। फिर आखिर वो उनकी एकेडमी यानी कि उनके स्कूल को ज्वाइन कैसे कर सकता है? वैसे तभी एक स्टूडेंट वहाँ एक क्रिस्टल युवान की तरफ फेंकता है, क्योंकि उसके पास आइस मैजिक की पावर थी और ये एक ट्रैप था, लेकिन युवान को ये चीज पता नहीं थी। इस वजह से वो उस आइस क्रिस्टल को उठाने लगता है और अचानक से वहाँ पर एक लाइट चमकती है और हमें जानने को मिलता है कि उस क्रिस्टल को छूने की वजह से युवान को अब आइस मैजिक की पावर मिल चुकी है। ये बहुत ही रेयर बात थी, क्योंकि युवान के पास अब 2 एट्रीब्यूट आ गए थे, जो कि इस वर्ल्ड में होना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब युवान इस वर्ल्ड में पहला पर्सन है जिसे 2 मैजिक एट्रीब्यूट मिले हैं। अब अचानक से उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल ही हट जाता है और वो वहाँ पर आसपास हर चीज को स्कैन करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ की सबसे सुंदर लड़की के पास आ गया था और उस पर अपनी सबसे अच्छी पिकअप लाइन का यूज कर रहा था। हालांकि इससे शर्माकर बाद में वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन इससे अभी बाकी सारे लड़के बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अब बाद में युवान अपने फोन में उस फेरी से पूछता है कि आखिर उसका कंट्रोल अपनी बॉडी पर से हट कैसे गया। असल में रात के टाइम उसने उस बुक को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था, जिससे वो यहाँ पर डायरेक्ट ही उस बुक वाली फेरी से कॉन्टेक्ट कर सकता था। वो फेरी बताती है कि युवान ने जब उस आइस क्रिस्टल को टच किया तो उससे जो लाइट निकली वो उसके वुड मैजिक वाली ग्रीन लाइट से ज्वाइन हो गई, जिसके बाद उसका दूसरा एट्रीब्यूट ओपन हो चुका है। पहले हमें लगा था कि ये आइस एट्रीब्यूट है, लेकिन असल में ये विंड एट्रीब्यूट था। वो बताती है कि सेकेंड एट्रीब्यूट अनलॉक होने की वजह से उसकी चार्म एबिलिटी भी अनलॉक हो गई है और इसी वजह से उसने खुद पर से कंट्रोल भी खो दिया था। वैसे इस एबिलिटी की वजह से सभी लड़कियां उसे स्कूल का सबसे कूल लड़का समझ रही थी। युवान भी बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब दौड़ने भागने की बारी आती है, क्योंकि वो इस चीज में सबसे कमजोर था। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए डुअल मैच प्लान किया गया है। अभी यहाँ पर वो लड़का जिसने युवान का मजाक उड़ाने के लिए वो क्रिस्टल वहाँ युवान के सामने फेंका था, वो उसे चैलेंज करता है और युवान को भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो दोनों आमने सामने थे, तभी वहाँ पर हम एक बगी को आता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर किसी कंट्री की प्रिंसेस बैठी हुई थी, वो भी उनका मैच देखेगी। अभी प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़का सोच रहा था कि उसे युवान को बहुत बुरी तरह से हराना होगा। वो यहाँ पर युवान के ऊपर अपनी कोल्ड विंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन युवान को उन्हें डॉज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी उस लड़के ने एक टॉर्नेडो क्रिएट कर लिया था,
जो कि सच में बहुत पावरफुल था। लेकिन तभी मोफी युआन से कहती है कि वो उसे समन कर सकता है, ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन युआन कहता है कि नहीं, वो खुद इस अटैक को रोकना चाहता है। वो यहाँ पर अपने वुड मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे उसका नेचर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ पर उसने उसी अटैक के साथ उसके टॉर्नेडो को खत्म कर दिया था। हालांकि इतनी पावर यूज करने की वजह से युआन अचानक से बेहोश भी हो चुका था, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक विलेज के अंदर था जो कि अभी जल रहा होता है। अभी युआन जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक आदमी उसे आकर पकड़ लेता और उससे मदद मांगता है, जिससे युआन बहुत घबरा गया था। पर तभी दूसरा आदमी आता और उस पहले वाले आदमी को वहाँ से लेकर जाता है। युआन घबरा कर पीछे हट रहा था और उसी दौरान उसे वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखती है जिसे बहुत तेज बुखार था। वो एक गीला कपड़ा उसके सर के ऊपर रखता है लेकिन वो बच्ची बेहोश हो जाती है। अभी युआन वहीं पर बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद वहाँ पर दो लड़के आते हैं जो कि कह रहे थे कि वो इस छोटी बच्ची को सेल कर सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे। लेकिन युआन उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो युआन पर हमला करते हैं और वो लड़की को वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो उसे बचाने के लिए उनसे मार खाता है, जिस दौरान वो बेहोश होने वाला था। लेकिन बेहोश होते वक्त उसे सामने मोफी दिखती है, और जब वो वापस से होश में आता है तो वो वापस से वहाँ उस मैजिकल वर्ल्ड में लौट चुका था, जहाँ पर वो बुक वाली फेरी उसे बताती है कि वो अभी अभी मोफी के मेमोरी से लौट कर आया है। वो फेरी कहती है कि अगर उसे सच में किसी फेरी को कंट्रोल करना है या उससे अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाने हैं, तो इसके लिए उसे उनके साथ दोस्ती करनी होगी, जिसके लिए उसे उनके पास्ट में जाना जरूरी है। वो ये चीज टाल नहीं सकता, युआन की बात समझ गया था। हालांकि बाद में वो अपने फोन से मोफी से बात भी करता है और उसे समझाता है कि वो कभी भी उस पर हुक्म नहीं चलाएगा और उसे जो काम पसंद नहीं वो उससे जबरदस्ती नहीं करवाएगा। लेकिन फिर वो कहती है कि अच्छी स्पीच थी, लेकिन उसे युआन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वैसे अब तभी युआन को अब एक आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि उनके डॉर्म के अंदर अभी दो गर्ल्स आई हुई थी। वो आपस में बात कर रही थी कि ये सभी सो चुके हैं, आखिर आज हमें किसे अपना खाना बनाना चाहिए। ये सुनते हुए युआन समझ जाता है कि ये दोनों ही वैम्पायर हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता, क्योंकि अगर वो इस सिचुएशन में फंसा तो मोफी के समन होने से पहले ही वो मारा जा सकता है। लेकिन अब वो गर्ल्स खुद ही आगे बढ़कर अपना शिकार ढूंढने लगती है, पर उसी दौरान वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। ये वैम्पायर किंग था। ये उनसे कहता है कि अभी हमें कुछ दूसरा काम है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन युआन वहाँ से वापस अपने घर पर लौट आया था। वहाँ पर वो कह रहा था कि ना जाने वो चेयरमैन कहाँ चली गई। अगर वो जल्दी नहीं मिली तो वो उसे उन वैम्पायर के बारे में कैसे बताएगा, और अगर वो उन्हें वैम्पायर के बारे में नहीं बता पाया तो शायद कुछ स्टूडेंट के बाद उसका नंबर भी लग जाए और वो भी मारा जाए। अभी वो नूडल्स खा रहा था, लेकिन तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो समझ गया था कि शायद कोई वैम्पायर हो सकता है। वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है और वो तुरंत ही उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब बाद में जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि ये इसी कंट्री की प्रिंसेस है। अब ना जाने वो यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन युआन सोचता है कि अगर किसी को पता चला कि उसने प्रिंसेस पर हाथ उठाया तो शायद उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इसीलिए अब वो प्रिंसेस को खींचकर घर में ले आता है। अभी वो होश में नहीं थी और युआन को भी नींद आ रही थी, लेकिन जगह नहीं थी, इसीलिए वो उसके पास में ही सो गया था। सुबह जब प्रिंसेस की नींद खुलती है तो उसे युआन पर शक होता है और वो उसे पंच मारती है। युआन उससे माफी मांगता और बताता है कि ये उसकी गलतफहमी थी। बाद में युआन उसके लिए नूडल्स बनाता है जो कि प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन उसी दौरान उन्हें फिर से गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। उन दोनों को ही लग रहा था कि ये वैम्पायर है। तभी एक वैम्पायर गर्ल वहाँ उस गेट को तोड़ देती है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ युआन और प्रिंसेस दोनों ही एक दूसरे रूम में छुप गए थे। हालांकि एक ग्लास का जार वहाँ नीचे गिरने वाला था, लेकिन युआन उसे गिरने से पहले रोक लेता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वैम्पायर लड़की अकेले नहीं आई थी, उसके साथ ही वैम्पायर भी उसके साथ थी। वो इंसानों की स्मेल पहचान लेती है और अब वो दोनों इस रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। वो यहाँ इस रूम के गेट को भी तोड़ देते हैं, लेकिन युआन और प्रिंसेस वहाँ से निकल चुके थे। युआन ने यहाँ पर अपने वुड मैजिक की पावर का इस्तेमाल किया था। अभी भागते हुए वो लोग जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ युआन प्रिंसेस से पेड़ के पीछे छुपने को कह रहा था, लेकिन अब वो छुप पाती उसके पहले ही वो दोनों वैम्पायर्स वहाँ पर आ जाते हैं। पर सही समय पर युआन मोफी को समन कर लेता है। मोफी अभी उन पर हमला करके उन्हें दूर हटा देती है, जिसके बाद वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने में उसे कुछ टाइम लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए फिर वो दोनों वैम्पायर उस पर हमला कर रही थी। लेकिन तभी मोफी हेल फायर का इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी को जलाने लगती है। जब वो दोनों ही वैम्पायर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो देखती है कि वो एक इनविजिबल बैरियर के अंदर कैद हो चुकी है, लेकिन अब वो बैरियर अचानक से टूट जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर वैम्पायर किंग आ चुका था। वो दोनों वैम्पायर गर्ल सोचती है कि वो बच गई, लेकिन वैम्पायर किंग उन दोनों को ही खत्म कर देता है। और इसके बाद अब वहाँ पर मोफी और वैम्पायर किंग की फाइट होने लगती है। यहाँ पर वो बुक वाली फेरी युआन को बताती है कि वो लेवल 8 पर पहुँच चुका है और उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन युआन का ध्यान अभी वहाँ सामने था, क्योंकि मोफी वैम्पायर किंग से हार रही थी।
युवान यहाँ उस बुक वाली फेरी से पूछता है कि क्या वो मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, जिस पर वो बुक वाली फेरी कहती है कि वो मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए युवान को मोफी की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना होगा। युवान इसके लिए तैयार था, लेकिन वो फेरी बताती है कि युवान के पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि वो वहाँ पर मोफी की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जा सके। लेकिन अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मोफी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो किसी भी तरह से उस वैम्पायर किंग को हरा नहीं सकती थी। तभी यहाँ पर प्रिंसेस युवान के पास आती है और उसे बताती है कि वो युवान को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकती है। युवान ये सुनकर हैरान था। वो कहता है कि इसके बदले वो उसे साल भर नूडल्स खिलाएगा, क्योंकि प्रिंसेस को वो नूडल्स बहुत पसंद आए थे, जिसके बाद प्रिंसेस उसकी मदद करती है। युवान अभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान वैम्पायर किंग मोफी को दूर करते हुए युवान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मोफी उसके अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद यहाँ पर युवान अभी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच चुका था। यहाँ पर अभी हम मोफी को देखते हैं, जो कि कुछ चोरों को खत्म कर रही थी। आखिरी वाला चोर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद मोफी उसे माफ कर देती है और जाने लगती है, लेकिन वो चोर इस चीज का फायदा उठाते हुए उसे पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। युवान आवाज लगाता और मोफी तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए उस चोर को भी खत्म कर देती है। युवान यहाँ पर अभी उसे रोक रहा था, लेकिन अभी उसे वो टच करता है तो उसे पता चलता है कि मोफी ना ही उसे सुन सकती है और ना ही उसे देख सकती है। उसे इस चीज का कारण पता नहीं था, लेकिन वो फेरी कहती है कि शायद तुम्हारी सोल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर अगर वो एग्जिस्ट करती है तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा। युवान को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन अब वो मोफी के पीछे जाने लगा था। वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक लड़के से मिलती है। उस लड़की के पास एक तलवार थी, जो कि मोफी को बहुत पसंद आती है। वो उस तलवार को उससे मांग रही थी, लेकिन वो लड़का बताता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, जिसके बाद मोफी वहाँ से चली जाती है। युवान अभी उस लड़की को देख रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर इसने मोफी को मना कैसे किया। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी अगले दिन ये लड़का वहाँ उस जगह के बच्चों के साथ खेल रहा था, जिस दौरान मोफी भी सामने वाले घर की खिड़की से इधर इसको देखती है। ये उसे हाई करता है, लेकिन वो भी खिड़की लगा देती है। अभी मोफी कहीं गई हुई थी, जब वो वापस लौट आती है तो वो देखती है कि कुछ लोग उस लड़के को मार रहे हैं और वो लड़का एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखते हुए मोफी को वही टाइम याद आता है जब युवान ने उसकी मदद की थी। वो यहाँ पर उन लोगों पर हमला करने लगी थी, लेकिन वो लोग उसके ऊपर भी हमला करते हैं, पर उस दौरान वो पहचान लेते हैं कि मोफी तो एक फेमस किलर है। वो डरकर वहाँ से भाग गए थे। बाद में वो लड़का भी मोफी को थैंक्स कह रहा था, साथ ही वो मदद के लिए उसे तोहफे में वो तलवार भी दे देता है। मोफी उस तलवार की धार को चेक करती है और इसके बाद वो उस लड़के से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद करेगी जब भी उस लड़की को मदद की जरूरत होगी। युवान ये सुनकर पागल हो रहा था और कह रहा था कि ये इस लड़की की चाल में कैसे फंस सकती है, वो सिर्फ इसके ऊपर ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं इधर अभी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि युवान तब से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है और इसके लिए उसे स्पिरिचुअल एनर्जी तब से प्रिंसेस ही दे रही थी। वैसे वहाँ मोफी और उस वैम्पायर किंग की लड़ाई में मोफी हार रही थी और वैम्पायर भी वहाँ पर युवान पर भी हमला कर रहा था, लेकिन युवान को बचाने के लिए हर बार मोफी सामने आ जाती है और वो ये जान गई थी कि अब वो नहीं बच सकती। इसी वजह से वो अपनी तलवार को वापस रख लेती है और जब वो वैम्पायर किंग अपनी तलवार से हमला करता है तो वो सामने से हटती नहीं, जिसकी वजह से वो तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो चुकी थी। लेकिन अब वो अपने ब्लड से एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वैम्पायर किंग को अपने ब्लड चेन्स में फंसा लेती है। वो तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक कि मोफी मारी नहीं जाती, लेकिन अब वो उसे खोल नहीं सकता, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। मोफी चाहती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक युवान को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो तब तक ही वैम्पायर किंग को रोक सकती है जब तक कि वो मारी नहीं जाती। यहाँ दूसरी तरफ युवान, जो कि अभी उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो भी वहाँ से आगे बढ़ रहा था और वो यही बात कर रहा था कि आखिर वो करे क्या, जिससे कि वो यहाँ पर मोफी को दिखाई दे और उससे अपनी बात कह सके। तभी वो उसी लड़के को देखता है जो कि मोफी को बाय कह रहा था। अभी जब मोफी वहाँ से चली जाती है तो युवान उस पर चिल्लाता है, लेकिन ना जाने कैसे पर उस लड़के ने भी युवान की बात सुन ली थी। हालांकि इसके बाद युवान चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर वो मोफी को फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि युवान जानता था कि ये लड़का सही नहीं है। वो लड़का यहाँ पर अपना नाम अनयू बताता है और ये नाम बस युवान के नाम से बिल्कुल उल्टा था। वो कहता है कि मोफी उसके लिए एक टूल की तरह है, लेकिन युवान कहता है कि ये सही नहीं है, पर अनयू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि अनयू मोफी से मिलने आया था और जब मोफी को आवाज सुनाई देती है तो वो गेट खोलते हुए अनयू को नीचे गिरा देती है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर वो बताता है कि वो बस उसके लिए खाना लेकर आया है। हालांकि उसे नीचे गिराने के चक्कर में खाना भी नीचे गिर चुका था। मोफी खाना उठा रही थी पर अनयू कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा खाना लाकर दूंगा, और इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। वैसे युवान यहाँ पर अभी चिल्ला चिल्ला कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अनयू सिर्फ उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, लेकिन मोफी को उसकी बातें सुनाई नहीं दी थी। उसी समय हम देखते हैं कि मोफी और अनयू दोनों उस टाउन के सबसे सेफ टावर के ऊपर आए हुए थे। यहाँ पर अनयू बताता है कि वो एक ट्रैवलर है
और वो हर टाउन में ट्रेजर ढूंढते हुए घूमता रहता है। वो यहाँ इतने समय इसीलिए रुका है क्योंकि उसे मोफी पसंद है। वो चाहता है कि वो उसकी जर्नी में उसका साथ दे। हालांकि मोफी को डर था कि क्या वो सच में अपनी पिछली लाइफ यानी कि एक किलर वाली लाइफ छोड़ सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मोफी फिर से कुछ चोरों को खत्म करके आ रही थी। रास्ते में उसे अनयू मिलता है, जिसे देखकर वो अपनी तलवार छुपा लेती है क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर अनयू ने उसे तलवार के साथ देखा तो शायद उसे अच्छा ना लगे। वैसे यहाँ पर अनयू बताता है कि वो खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था, तो वो दोनों साथ में घर चल सकते हैं। लेकिन मोफी कहती है कि वो कुछ देर के बाद आएगी और फिर वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। अभी मोफी दुखी थी क्योंकि उसने अनयू से झूठ कहा। लेकिन जब वो घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर अनयू ने उसके लिए खाना रेडी कर लिया था। वो बताता है कि ये डिश उसकी मदर ने उसे बनाना सिखाया था। अभी मोफी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन युआन यहाँ बार बार यही कह रहा था कि आखिर वो उसके झूठ को पहचान क्यों नहीं पा रही, वो हर बार उसे धोखा ही दे रहा है। वैसे अब मोफी बता देती है कि असल में वो एक किलर है, लेकिन अनयू कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। मोफी बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी मदद किसी ने नहीं की, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो खुद को ताकतवर बनाएगी, जिससे अगर कोई उसकी मदद ना करने भी आए तो वो खुद की मदद कर सके। अनयू कहता है कि उसे मोफी के पास्ट से कोई मतलब नहीं, वो उसके साथ फ्यूचर देखता है। वैसे अब यहाँ पर मोफी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अनयू की जर्नी में साथ देगी, इसी वजह से वो वहाँ एक सेलर के पास पहुँचती है जहाँ वो अभी सिप की टिकट लेने के लिए पहुँची थी। लेकिन वो सेलर कहता है कि उसे इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अनयू सही लड़का नहीं है और शायद वो उसे चीट करने की कोशिश कर रहा है। पर मोफी उसकी बातें नहीं सुनती और जहाज की दो टिकट लेकर वहाँ से लौट जाती है। बाद में वो टिकट अनयू को दिखाती है और अनयू कहता है कि तुम शाम को मेरा इंतजार करना, हम उसी सेफ टावर पर मिलेंगे। मोफी इसके लिए हाँ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि शाम के टाइम उसने एक और चोर को मार दिया था, जिसके बाद वो घर लौटती है और अपना सामान बैग पैक करती है और टावर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे दो और चोर मिलते हैं, लेकिन जब वो मोफी को पहचान लेती है तो वो उससे माफी मांगने लगी थी। मोफी अच्छे मूड में थी, इस वजह से आज वो उन्हें माफ कर देती है। अब वहाँ टावर पर आने के बाद वो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन अनयू अभी तक वहाँ पर आया नहीं था। युवान सोच रहा था कि शायद वो कभी आया ही नहीं और इसी वजह से मोफी तब से ही बहुत गुस्सा है। लेकिन तभी मोफी कहती है कि शायद वो किसी काम में फंस गया होगा और शायद वो कुछ टाइम बाद यहाँ पर आए। अब इसी तरह से इंतजार करते हुए पूरा दिन बीत गया था और अगले दिन का भी आधा दिन बीत चुका था। युवान कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं, लेकिन उसकी बात मोफी को सुनाई नहीं दे रही थी। मोफी गुस्से में तो थी, लेकिन वो खुद को समझा रही थी और कह रही थी कि शायद वो यहाँ से चली गई और अगर इसके बाद फिर यहाँ पर अनयू आया तो वो क्या सोचेगा। वैसे अब कुछ और दिन बीतते हैं और फिर वो सेलर वहाँ पर आकर मोफी को बताता है कि टाउन पर सारे चोरों का हमला हो चुका था, उन्होंने एक साथ हमला किया जिस वजह से हम लोग खुद को बचा नहीं पाए। लेकिन मोफी अभी जाने को तैयार नहीं थी, वो कह रही थी कि अभी वो यहाँ पर रुककर अनयू का इंतजार करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ चोरों ने उस टावर को घेर लिया था, वो बम के थ्रू उस टावर को गिरा देते हैं। मोफी भी वहाँ पर नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो सामने बहुत सारे चोरों को देखती है। उसे लग रहा था कि शायद इन्होंने अनयू को पकड़ लिया होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर आया नहीं। वो आगे बढ़ती है और उनमें से दो चोरों को मार देती है, लेकिन सामने जो बहुत सारे चोर खड़े हुए थे उन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा था और कह रहे थे कि वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन इससे मोफी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही हमला करते हुए उन सभी चोरों को खत्म कर देती है। वो अभी उस लड़की से कह रही थी कि उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन तभी वो लड़की चाकू निकालकर मोफी को मार देती है और इससे वो समझ गई थी कि ये इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। अब तभी वहाँ पर अनयू की एंट्री होती है। वो लड़की उससे कहती है कि मोफी सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है, वो इतनी आसान ट्रिक में फंस गई। वैसे मोफी अभी रेंगते हुए अनयू की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा चोर आता और उससे कहता है कि तुम कब समझोगी कि ये सब अनयू का ही प्लान था। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ हफ्ते पहले अनयू इन लुटेरों से मिलने गया था, जहाँ पर वो बताता है कि वो मोफी को हरा सकता है, लेकिन इसके बदले उसे साउथ एरिया की कमांड सौंप दी जाए, जिस पर वो लुटेरे हाँ कर देते हैं। साथ ही वो उसे तलवार भी देते और सिर्फ इन्हीं दो चीजों के लिए उसे मोफी को धोखा दिया था। अभी मोफी ये सुनकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो लुटेरे उसे घुटने के बल पर कर देते हैं। एक लुटेरा कह रहा था कि हमें इसे मार देना चाहिए वरना ये फ्यूचर में हमें दिक्कत देगी, मगर ये सोचकर कि जिससे वो पसंद करती थी उसने उसे धोखा दिया। मोफी अभी पागल हो रही थी, वो जोर से चीखती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ आसपास के लुटेरे मरने लगते हैं और तभी वहाँ पर कुछ फेरीज की एंट्री होती है और वो फेरीज उस टाउन को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है। और ये देखते हुए अभी मोफी अपनी तलवार उठाती है और अनयू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि तभी एक दूसरी फेरी ने सामने आकर उसके अटैक को रोक दिया था। यहाँ पर अनयू कह रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकती और तुम्हें ऑलरेडी एक चाकू लग चुका है, इसलिए तुम भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाली, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बदला लेने में मदद कर सकता हूँ।
वो अपने पास से फ्लावर निकालता है और कहता है कि अगर तुम परमिशन दो तो तुम एक फेरी बन सकती हो, लेकिन रीइनकार्नेशन वर्ल्ड में। अब यहाँ रीइनकार्नेशन वर्ल्ड में अनयू से बदला लेने के लिए मोफी ने इस चीज के लिए हाँ कर दी थी, जिसके बाद अनयू अपने उस फ्लावर पर अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और वो फ्लावर ग्लो करने लगता है। वैसे इसके बाद अभी युआन अनयू से कह रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से उसे क्या मिला, तो इस पर अनयू उसे जवाब देता है कि वो इस वर्ल्ड को एक गेम की तरह समझता है और असल में अनयू ही युआन का अपोजिट सोल है और अनयू का सपना है कि वो इस दुनिया को जीतना चाहता है। वो कहता है कि तुम मेरी सोल हो, इसका मतलब तुम्हारा भी यही ड्रीम होगा। वैसे भी ये वर्ल्ड गेम की तरह है, इसीलिए मैंने सिर्फ मोफी का यूज किया। ये सुनकर युआन को गुस्सा आ जाता है, वो उसे पकड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हें मोफी को ठीक करना होगा, लेकिन अनयू वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पर आता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम कुछ भी कर नहीं सकते, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। युआन जब पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ, तो वो बुक वाली फेरी उससे कहती है कि अनयू सिर्फ एक सोल पार्टिकल है, इसीलिए तुम उससे बात कर सकते थे, लेकिन तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वैसे अब युआन वहाँ पर मोफी को देखता है जो कि अभी उन वाइन्स से कैद थी जिन्हें अनयू ने डेवलप किया था। वो तब तक कैद रहेगी जब तक कि युआन उसे वहाँ से बंद नहीं कर लेता, और युआन ने उसे पहली बार समन तब किया था जब उसे वैम्पायर ने खत्म किया था। तो युआन कह रहा था कि ये सील तभी ब्रेक हुई थी जब मैं मर गया था, तो शायद अगर मैं फिर से मर जाऊं तो ये सील ब्रेक हो सकती है। लेकिन इस पर वो फेरी कहती है कि तुम बेवकूफ हो, जैसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम अभी एक स्पिरिट वर्ल्ड में हो, यहाँ पर तुम मारे गए तो तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन युआन कहता है कि नहीं, वो उसे बचा कर ही रहेगा। वो आगे बढ़ता और वहाँ पर पड़ी तलवार उठाता है, लेकिन एक ही सेकंड के बाद उसे पता चलता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद को खत्म कर सके। लेकिन अचानक से वो जगह हिलने लगती है, वो फेरी बताती है कि ये वर्ल्ड बहुत ही जल्द वैनिश होने वाली है, और ऐसा इसी वजह से था क्योंकि वहाँ प्रिंसेस अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे चुकी है और अब वो बहुत जल्दी होश में आने वाली है, और इसीलिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब ये सिचुएशन देखते हुए युआन तुरंत ही आगे बढ़ता है और उस तलवार को जमीन में लगाता है और वहाँ उन वाइन्स पर चढ़ने लगता है, और वो वहाँ पर ऊपर आकर कहता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे बचा कर रहेगा और हो सके तो उसे माफ कर दो। साथ ही साथ इसके बाद वो उसे गुड बाय किस देता है और वहाँ से जंप कर देता है, जिसके बाद वो नीचे आकर सीधा उस तलवार पर गिरा था। यहाँ पर उसकी ये बातें सुनकर मोफी को वापस से वही अनयू वाली मेमोरीज दिखना शुरू होती है, लेकिन इस बार वो वहाँ पर युआन को नोटिस कर पा रही थी। वो समझ जाती है कि युआन ने उसे कई बार वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, और अब यहाँ पर युआन को तलवार लगने की वजह से वो वाइन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और मोफी आजाद हो चुकी थी। लेकिन जब वो नीचे आकर युआन को देखती है तब युआन मारा जा चुका था। वो कह रही थी कि आखिर उसने सिर्फ उसके लिए अपनी जान क्यों दे दी। वो कहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ युआन के साथ जीना चाहती है, लेकिन उसके पास अब इतनी पावर नहीं कि अब वो फिर से युआन को जिंदा कर सके, इसीलिए अब उसके पास जिंदगी भर अकेले रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो इस दुख के साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगी थी, पर उसी दौरान युआन को होश आ जाता है और वो उसका पैर पकड़ लेता है। अभी युआन को भी नहीं पता था कि आखिर वो बच कैसे गया, लेकिन वो कह रहा था कि तुम्हारी ये जो स्पीच थी वो दिल को छूने वाली थी और शायद इसी की वजह से मैं फिर से जाग गया। वैसे ये सुनने के बाद मोफी को थोड़ी सी शर्म आती है और वो गुस्से में अपनी तलवार आगे कर लेती है। वो कहती है कि मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन ये सुनकर युआन घुटने के बल पर आता और उससे माफी मांगने लगता है। वो बताता है कि वो प्रिंसेस की हेल्प से यहाँ पर आया है, उसी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब ये सुनने के बाद मोफी युआन को माफ कर देती है। वैसे अब युआन कहता है कि उस वैम्पायर किंग को हराने के लिए हमें अपनी पावर मिलानी होगी, तभी तुम उसे हरा पाओगी। तभी वो दोनों हाथ मिलाते हैं और मोफी कहती है कि अब वो पूरी लाइफ उसके साथ रहेगी। इसके बाद अब वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी अपनी लगभग सारी स्पिरिचुअल एनर्जी देने की वजह से प्रिंसेस बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अब युआन उसे वहाँ से नीचे लिटा देता और उसके बाद आगे आता है। वो कहता है कि अब हमें अपनी पूरी पावर लगानी होगी, जिसके बाद मोफी की स्पिरिट युआन के अंदर एंटर करती है और युआन की बॉडी चेंज होने लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। वैम्पायर किंग को लग रहा था कि वो युआन को हरा देगा, इसीलिए वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन युआन उसके अटैक को रोक रहा था। यहाँ पर युआन का अटैक भी वैम्पायर किंग ने डॉज कर दिया था, इसी वजह से युआन अब अपनी पावर से उन वाइन्स को समन करता है। वो उनसे हमला कर रहा होता है, लेकिन वैम्पायर किंग उन्हें भी रोक ले रहा था। अब उनकी लड़ाई वहाँ हवा में होने लगी थी, उनकी तलवारें कई बार आपस में टकराती है, लेकिन बाद में युआन उस पर तेजी से हमला करते हुए उसे जमीन पर नीचे गिरा देता है। लेकिन अभी वो वैम्पायर किंग मरा नहीं था, वो फिर से हमला करने के लिए वापस से उठता है, लेकिन युआन फिर से उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद वहाँ नीचे की जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देखने के बाद युआन कह रहा था कि शायद अब वैम्पायर किंग बचा नहीं है, लेकिन मोफी उससे कहती है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है, हालांकि वो सामने नहीं था। वैसे तभी युआन उसके सर पर वो सींग को देखता है
और उससे पूछने लगता है कि क्या ये लकड़ी के बने हैं, जिस पर मोफी को गुस्सा आता है और वो उसे पंच करते हुए नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी भी एक फेरी के हॉर्न्स को टच नहीं करना चाहिए। वैसे अब तभी वहाँ पर चेयरमैन लेडी की एंट्री होती है। वो ये देखकर बहुत खुश थी कि युआन ने उस वैम्पायर किंग को हरा दिया। वो यहाँ पर युआन को दो फेरी सीट्स देती है उस वैम्पायर किंग को हराने के बदले में। युआन उसे थैंक्स कहता है और तुरंत ही मोफी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे चेयरमैन लेडी थोड़ी सी अजीब लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अब इस इंसिडेंट के बाद युआन इतना थक चुका था कि वह स्कूल में सो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की एंट्री होती है और ये कोई और नहीं बल्कि मोफी और वो प्रिंसेस थी। अभी सभी स्टूडेंट मोफी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और वो बहुत लकी भी फील कर रहे थे कि मोफी उनकी क्लास में है। लेकिन यहाँ पर मोफी और प्रिंसेस दोनों ही युआन के अगल बगल में आकर बैठ जाती है। युआन उन्हें देखता है तो वो हैरान हो गया था। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और यहाँ पर आई क्यों। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था कि युआन आखिर उनसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। लेकिन जब वो स्टूडेंट्स यहाँ युआन को मोफी और प्रिंसेस के साथ बहुत ही कैजुअल तरीके से बात करते हुए देखते हैं तो वो बहुत जेलस फील करते हैं और बाद में वो उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन युआन भागते हुए किसी तरह से उनसे बचता है और वहाँ लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है। वो सोच रहा था कि अब वो यहाँ पर आ ही गया है तो क्यों ना यहाँ से वो कुछ मैजिक बुक्स को ले जाए जिससे कि वो अपने मैजिक को स्ट्रांग बना सके। लेकिन अंदर आने के बाद अभी लाइब्रेरियन उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर युआन कहता है कि उसे ऐसी मैजिक बुक्स चाहिए जो कि उसकी वुड मैजिक को थोड़ा स्ट्रांग बना सके। ये सुनकर वो लाइब्रेरियन उसे दो स्क्रोल दे देती है। उसने वैसे तो बहुत सारे स्क्रोल समन किए थे पर वो बताती है कि युआन का लेवल इतना नहीं है कि वो दो से ज्यादा स्क्रोल एक टाइम पर समझ पाए और सीख पाए। वैसे युआन तो उस दो स्क्रोल से बहुत ही ज्यादा खुश था। वो उसे लेकर आता है। रात के टाइम अभी वो उस लेक के पास था और बहुत खुशी से चिल्ला रहा था कि फाइनली अब वो इनकी मदद से प्लांट मैजिक का यूज करके उन फेरी सीड्स को इवॉल्व करेगा। लेकिन अब तभी वो बुक वाली फेरी उससे कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इस मैजिक की मदद से उस फेरी सीड्स को बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं कर सकता। ये सुनकर युआन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन वो कहता है कि आखिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मुझे फालतू में कोई बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है। इस पर वो फेरी कहती है कि मैंने जानबूझकर ये नहीं बताया वरना तुम बुक नहीं लाते। अब युआन जब वो इंसाइक्लोपीडिया ले ही आया था तो वो फेरी उसे अब्सॉर्ब कर लेती है जिससे उसका पेट भर गया था। हालांकि फिर वो युआन को समझाती है कि इन फेरी सीड्स के ऊपर एक सील होती है और तुम इन्हें प्राकृतिक रूप से ग्रो कर सकते हो। युआन वहाँ पानी में कुछ नॉर्मल सीड डालता है जो कि बहुत ही जल्दी फ्लावर में बदल जाते हैं क्योंकि युआन ने यहाँ पर अपने प्लांट मैजिक का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद अब वो सारी सीड्स को भी डालता है, उस पर वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता इसलिए उसे इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ देर में अभी कुछ हुआ नहीं था और अगले दिन भी कुछ भी नहीं होता और वो इसी तरह से इंतजार करता रहता है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम वैम्पायर किंगडम के अंदर आते हैं जहां हमें जानने को मिलता है कि अभी जो वैम्पायर यहां पर आया था वो असल में उनका लॉर्ड नहीं है क्योंकि उनका लॉर्ड कोई और ही है। उसने खुद उस वैम्पायर नाइट को वैम्पायर किंग बनाकर कुछ लोगों के साथ भेजा था जिससे कि वो उन्हें ऑर्डर दे सके। वो यहाँ पर आकर बताता है कि उसके साथ ही मारे जा चुके हैं और वो मोफी को पकड़ नहीं पाया। इस पर वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर मोफी चाहिए। लेकिन वो नाइट बताता है कि मोफी को उसका मास्टर मिल चुका है। लेकिन असली वाला वैम्पायर लॉर्ड कहता है कि तो फिर उस मास्टर को खत्म कर दो लेकिन किसी भी तरह से मोफी को यहाँ पर लेकर आओ। अब इसके बाद हम वापस से युआन के पास आते हैं। उसने अभी बहुत टाइम तक इंतजार किया था उस फेरी सीड के इवॉल्व होने का और अब फाइनली हलचल होना पानी में स्टार्ट होती है जिसके बाद एक बड़ा सा प्लांट वहां से पानी से बाहर निकलता है जिसके फ्लावर के अंदर वो यंग फेरी थी। उसे देखने के बाद युआन अभी बहुत ही ज्यादा खुश था लेकिन मोफी उसे तैयार होने को कहती है। युआन को ये बात समझ नहीं आती और तभी अचानक से वो फेरी उन सभी पर हमला कर देती है। मोफी अभी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो फेरी कह रही थी कि युआन कभी उसका मास्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत कमजोर है क्योंकि वो उसकी बहन को उसके साथ इवॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन तभी एक लाइट चमकती है और हम एक दूसरी फेरी को देखते हैं जो कि दूसरी फ्लावर से आई थी और ये असल में इस पहली वाली फेरी की सिस्टर है। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और इसके बाद दोनों ही फैसला करती है कि वो युआन को अपना मास्टर बना लेंगी। युआन तो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे नोज ब्लीड हो रही थी। लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि मोफी उसके पीछे ही खड़ी है, इसीलिए वो चुपचाप से फोन निकालता है और सामने करके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और उन दोनों का मास्टर बन जाता है। हालांकि मोफी को लग रहा था कि युआन बहुत ही लालची लड़का है लेकिन युआन कहता है कि नहीं, वो उनका मास्टर सिर्फ इसीलिए बन रहा है जिससे कि वो उन्हें फ्री कर सके और बाद में ये फेरीज अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद से ले सके। अगले दिन चेयरमैन युआन को वहाँ उसके ऑफिस में बुलाती और बताती है कि जो वैम्पायर यहाँ पर आया था उसे खुद वैम्पायर लॉर्ड ने भेजा था और वो यहाँ पर प्रिंसेस को लेने के लिए ही आया था।
अब हमें जानने को मिलता है कि असल में वैम्पायर लॉर्ड मोफी के साथ साथ प्रिंसेस को भी पकड़ना चाहता है। उसका पहला मकसद प्रिंसेस को पकड़ना था, लेकिन अब उसे मोफी के बारे में भी पता चल चुका है। चेयरमैन कहती है कि तुम प्रिंसेस को लेकर यहाँ से जाओ। अब युआन वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी वो लाइब्रेरियन उससे आकर मिलती है और उसे क्रिस्टल देते हुए वो कहती है कि तुम अलग अलग आइलैंड पर सफर करोगे, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर तुम्हें कई अलग अलग टाइप के मैजिक मिले, या फिर अगर कुछ भी मैजिक आइटम मिले तो तुम उसे अपने साथ रखो। ये क्रिस्टल तुम्हारी हेल्प करेगा, और जब भी तुम्हें ऐसा कोई मैजिक आइटम या मैजिक मिलेगा तो ये तुम्हें रिवॉर्ड देगा। अब युआन उस क्रिस्टल को लेकर वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक जंगल में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर युआन अभी उस बुक वाली फेरी से कह रहा था कि वो इस स्टोन को भी खा ले, मतलब कि एब्जॉर्ब कर ले, जिससे कि वो फिर से पहले की तरह इवॉल्व कर सकती है। वैसे बाद में वो नोटिस करता है कि वहाँ पर सिर्फ मोफी और प्रिंसेस है, मतलब कि वो पहली वाली दो फेरीज वहाँ पर नहीं है। वो उनसे पूछता है तो प्रिंसेस बताती है कि वो सामने लेक की तरफ गई है। अब युआन सोच रहा था कि शायद वहाँ पर जाकर उसे स्विमिंग करने को मिलेगी, इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। साथ ही प्रिंसेस भी एक्साइटेड होकर वहाँ से इस तरफ भाग रही थी, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद वो दोनों ही एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। उसे देखने के बाद दोनों का ही रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वैसे अब वो ड्रैगन इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन युआन पहले ही एक बैरियर क्रिएट करके उस अटैक को रोक लेता है। वो ड्रैगन कह रहा था कि तुमने मेरी टेरिटरी में आने की हिम्मत कैसे की, अब तुम सभी मारे जाओगे। पर तभी वो दोनों नई फेरीज में से एक फेरी जिसका नाम लिन है, वो आगे आते हुए उस ड्रैगन से लड़ने का कहती है। हालांकि युआन उसे रोक देता है और कहता है कि इससे मैं लड़ना चाहता हूँ। युआन खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता था। वो उस ड्रैगन को समझाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उसने एक लेवल 8 वाले वैम्पायर को हराया है। ये सुनकर ड्रैगन सोचता है कि सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो तो सिर्फ लेवल 3 का ड्रैगन है। लेकिन जब युआन उसे चैलेंज कर ही रहा है तो उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अब लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि युआन बिना किसी फेरी की मदद लिए कुछ वाइन्स को समन करता है, जिससे उसने उस ड्रैगन को पकड़ रखा था। युआन थोड़ा सा समझदार भी है, इस वजह से वो कोशिश कर रहा था कि वो इस ड्रैगन को उस पानी के अंदर डुबा सके, जिससे कि वो ड्रैगन अपनी फायर अटैक्स का इस्तेमाल ना कर पाए। और वैसे भी वो ड्रैगन फायर ड्रैगन है, तो अगर वो फायर अटैक का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया तो किसी काम का नहीं रहेगा। ये देखते हुए ड्रैगन हार मान लेता है। अब युआन ने उसकी जान नहीं ली थी, इस चीज से खुश होकर वो ड्रैगन युआन को एक फ्लूट देता है और कहता है कि तुम जब भी इसे बजाओगे मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वैसे अब रात होने वाली थी और वो जंगल में रुक नहीं सकते थे, लेकिन किस्मत से उन्हें एक रिसॉर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आकर युआन उस रिसेप्शनिस्ट आदमी से कहता है कि उसे दो रूम चाहिए। अभी वो आदमी सोच रहा था कि युआन अगर सच में दो रूम लेगा तो उसे रात को बार बार यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होगा दोनों तरफ की पार्टी को संभालने के लिए। पर उसी रात के टाइम हम देखते हैं कि अभी लिन उदास बैठी थी। युआन उसके पास आता और उससे उदास होने की वजह पूछता है, जिस पर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ है। वैसे वो बातों ही बातों में ये जरूर बता देती है कि वो जब फेरी बनी थी तो उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज नहीं मिली, लेकिन वो खुश है कि वो अपने सिस्टर के साथ है। युआन उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस रिसोर्ट में कुछ और दिन रुक सकते हैं, जिससे तुम्हारी मेमोरीज फिर से लौट आएगी। लेकिन अब जब वो ऐसा कह रहा था तभी अचानक से लिन की मेमोरीज आना स्टार्ट हो जाती है, इससे उसके सर में दर्द होता है और अब वो नहीं चाह रही थी कि उसकी पुरानी यादें फिर से वापस आए। लेकिन उसे युआन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि शायद उसी की वजह से उसकी यादें फिर से लौट रही है, इसी वजह से वो युआन पर हमला करने लगती है। लेकिन युआन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी उस पर हमला करने की वजह से एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और लिन वहाँ पर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर तीन और लोगों की एंट्री होती है। वो बताते हैं कि वो युआन को खत्म करने के लिए आए हैं। प्रॉब्लम देखकर युआन मोफी से टेलीकिनेसिस के थ्रू कांटेक्ट करता है और उसे वहाँ पर बुला लेता है। मोफी अभी लिन की सिस्टर यूई के साथ वहाँ पर आई थी। वैसे युआन तुरंत ही उस ड्रैगन को भी वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन जब वो ड्रैगन वहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि ये तीनों यहाँ पर उन फेरीज को भी कैप्चर करने आए हैं, इसीलिए वो तुरंत ही पार्टी बदल लेता है। वैसे अब उन तीनों ने उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिस दौरान वो ड्रैगन युआन पर हमला कर रहा था। यहाँ मोफी आगे आते हुए कहती है कि हम सभी इन तीनों को संभालते हैं, तुम उस ड्रैगन को संभालो। और वो तीनों तो लड़ने लगी थी, लेकिन युआन उस ड्रैगन से डरकर भाग रहा था, जो उसकी एक चाल थी, क्योंकि भागते हुए वो अपनी वाइन्स को समन करता और उस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो ड्रैगन उन वाइन्स से बचकर अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करके युआन को वहाँ पर नीचे गिरा देता है। ये देखकर मोफी पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसने कुछ लीव्स को निकालकर उस ड्रैगन को पकड़ लिया था। हालांकि वो पानी में गिर रहा था तभी उसे पानी के अंदर एक फॉर्मेशन टाइप की सील दिखती है, जिससे एक लाइट निकलती और युआन को खींचने लगी थी। यहाँ लाइट एक एनर्जी थी जो कि वहाँ उस लेक के बाहर भी दिख रही थी। ये देखकर मोफी तुरंत ही पानी के अंदर जंप करती है युआन को बचाने के लिए,
इस तरफ हम देखते हैं कि युवान और मोफी के वहाँ से जाने के बाद लिन अपनी बहन यूई से कह रही थी कि ये सही मौका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सही मौके का फायदा देखते हुए वहाँ पर वो तीनों में से एक आदमी यहाँ इन पर हमला कर देता है। उसके अटैक को यूई किसी तरह से बैरियर बनाकर रोक लेती है, लेकिन उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था जिससे उसके हाथ पर हल्की सी चोट आ गई थी। वो चोट को देखने के बाद लिन को बहुत गुस्सा आता और फिर वो अपनी पावर दिखाती है। वैसे दूसरी तरफ वहाँ मोफी जब पानी के अंदर युवान को ढूंढ रही थी तो युवान वहाँ पर नहीं था। वो समझ जाती है कि युवान कहीं गायब हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही पानी के बाहर आती है और अपनी तलवार को हवा में उठाते हुए कहती है कि उसे ये लड़ाई जल्द खत्म करनी होगी। वैसे इसके बाद अब हम वहाँ पर युवान को देखते हैं जो कि किसी दूसरे आइलैंड पर पहुँच चुका था। वो अभी आसपास की जगह देख रहा था कि तभी वहाँ पर अनयू दिखाई देता है उसे। वो उसे वहाँ पर वेलकम कर रहा था, पर युवान को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। लेकिन इस दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है कि तुम्हारे हाथ पर तो चोट लगी है, फिर वो जबरदस्ती उसके हाथ पर बैंडेज लगा देती है। युवान उसकी शक्ल देखकर उसे पहचान जाता और उसे लग रहा था कि वो लिन है। लेकिन जब वो लड़की जाने लगती है तो युवान उससे एक बार उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि वो यूई है। अब जब वो वहाँ से चली जाती है तो युवान एनयू से पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस पर एनयू कहता है कि वो एक स्पेशल वर्ल्ड में है और ये दुनिया लिन की यादों से बनी हुई एक सेपरेट वर्ल्ड है। वो ये भी कहता है कि अगर तुम इसे हील करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर उसकी सारी यादों को देखना होगा और उसे बचाना होगा। लेकिन युवान कहता है कि नहीं, उसे अभी अपनी रियल वर्ल्ड में लौटना है। यह सुनकर अनयू समझ जाता है कि युवान उसकी बातें नहीं सुनेगा, इसलिए वो तुरंत ही उसे वापस भेज देता है। हालांकि वो वापस गया नहीं था क्योंकि अब उसकी हालत फिर से मोफी की यादों वाली वर्ल्ड की तरह हो गई थी। वो किसी को दिखाई नहीं देगा और ना ही सुनाई देगा, वो सिर्फ यहाँ पर सब कुछ देख सकता था। अभी अनयू आगे बढ़ता और पेड़ से ड्रैगन को नीचे गिराता है। ये ड्रैगन एक बेबी ड्रैगन था और ये असल में वही है जिससे युवान की रियल वर्ल्ड में फाइट चल रही थी। एनयू उस ड्रैगन से कहता है कि वो उसे जाने देगा, लेकिन उसके बदले उस ड्रैगन को उसका काम करना होगा। ड्रैगन डरकर उसकी बात मान जाता है। अनयू कहता है कि तुम्हें यूई पर नजर रखनी होगी। ड्रैगन जाता है उस पर नजर रखने के लिए। बाद में जब वो आता है तो बताता है कि यूई एक डिप्रेस्ड गर्ल है और उसकी सिस्टर बीमार है जो कि हील नहीं हो सकती। ये सुनते ही अनयू कहता है कि ठीक है, फिर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। वो तुरंत ही वहाँ से निकलने लगा था पर युवान उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम कुछ गड़बड़ मत करना। लेकिन अनयू उसकी बातों को इग्नोर करता है। बाद में अनयू जाकर यूवी से मिलता है। वो उसे ऑफर देता है कि वो उसकी मदद कर सकता है उसकी सिस्टर को ठीक करने में, लेकिन यूवी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। पर अनयू बताता है कि उसे उस मेडिसिन के बारे में पता है जो कि उसके पास भी नहीं है, तो इसके बदले यूवी को कुछ देने की जरूरत नहीं, लेकिन वो मिलकर उस मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं। वो मेडिसिन एक गुफा में थी। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। गुफा में आगे बढ़ते वक्त अभी हम उस बेबी ड्रैगन को देखते हैं जो कि बहुत ही ईविल स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस गुफा के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। ये बात वैसे अनयू भी जानता था। शायद वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को पहचान लेता है कि ये सच में कोई मॉन्स्टर है। इसी वजह से वो यूवी से कहता है कि हमें रास्ता बदलना होगा। वो गुफा में रास्ता बदलते हैं। उनके सामने अभी वही मेडिसिन थी जो कि उन्हें चाहिए थी। मॉन्स्टर को देखने के बाद भी अभी यूवी उस मेडिसिन को लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, जो देखकर युवान अनयू से कहता है कि वो जाकर उसे बचा ले। लेकिन अनयू कहता है कि अगर तुम्हें उसे बचाना है तो खुद बचा लो। ये सुनकर युवान तुरंत ही भागता है, पर तभी अनयू वहाँ से गायब होकर यूवी को बचा लेता है और युवान को इस ट्रैप में फंसा देता है, क्योंकि युवान अब उस मॉन्स्टर के सामने आ चुका था। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यूवी और अनयू वहाँ पर भागते हुए डेड एंड की तरफ पहुँच चुके थे। जब वहाँ पर आकर वो रुकते हैं तो पीछे देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वो बिल्कुल भी उनके पास आ चुका था। अभी उससे लड़ने के लिए यूवी एक लकड़ी उठा लेती है, लेकिन जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तो अनयू को ही उसे बचाना पड़ता है। हालांकि इस चीज में यूवी बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए अनयू जाकर उसे पेड़ के पास सुला देता है और इसके बाद वो खुद उस मॉन्स्टर के सामने आ गया था उससे लड़ने के लिए। हालांकि वो मॉन्स्टर अभी बहुत गुस्से में था। वो अनयू को देखते ही उस पर हमला करने लगता है। अभी हमले के बाद बेबी ड्रैगन को लग रहा था कि शायद अनयू मारा गया, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि अनयू ने सिर्फ अपनी एक ही उंगली से उस मॉन्स्टर को रोक लिया था। और इसके बाद अनयू उस मॉन्स्टर के ऊपर आता है और उस पर हल्का सा अटैक करते हुए उसे हरा कर वहाँ से दूर फेंक देता है। हालांकि उसने उसकी बॉडी पर कुछ स्क्रैचेस के निशान देख लिए थे। ये असल में उस बेबी ड्रैगन का काम था और उसने ऐसा इसीलिए किया था जिससे कि वो मॉन्स्टर को गुस्सा आए। इसीलिए अब अनयू वहाँ उस बेबी ड्रैगन के पास आता है और उसे लात मारकर वहाँ खाई में गिरा देता है। अब शाम हो चुकी थी और हम देखते हैं कि यूवी को होश आता है तो वो बहुत खुश थी कि वो मॉन्स्टर हार गया। यहाँ पर अनयू उसे बताता है कि उसने वो मेडिसिन भी बचा ली है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब अनयू फिर से यूवी से मिलता है तो वो रो रही थी और कहती है कि उस मेडिसिन ने काम नहीं किया। अनयू कहता है कि उसके पास एक और तरीका है। वो उसे कुछ स्पेल के बारे में बता रहा था जिससे एक खास तरह की इनकार्नेशन मैजिक मेडिसिन बनती है।
यह सुनकर यूवी बहुत खुश थी। वैसे बाद में युआन देखता है कि यूवी की बहन कोई और नहीं बल्कि लिन है। यहाँ अगले ही दिन जब लिन वहाँ पर बगीचे में आई हुई थी, तभी वहाँ पर अनयू आ जाता है। वो उसका पीछा कर रहा था और उस पर अपनी पिकअप लाइन्स का यूज कर रहा था, जो देखते हुए लिन उससे कह रही थी कि उस पर ये सब नहीं चलने वाला, इसीलिए वहाँ से वो चला जाए। और इतना कहते हुए लिन वहाँ से जाने लगती है। हालांकि अनयू चिल्लाता है कि वो कल फिर से उसका यहाँ पर इंतजार करेगा। अब लिन के जाने के बाद युआन अनयू से कह रहा था कि वो ये क्या कर रहा है, वो दोनों सिस्टर को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर अनयू कहता है कि वो एक अल्फा मेल है, इसीलिए उसे जो चाहिए वो उसे मिलेगा, वो युआन की तरह नहीं है। अब बाद में हम यूवी को देखते हैं। उसने किसी तरह से मेडिसिन का पता तो लगा लिया था, लेकिन उसके सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है और इससे रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए वो लिन पर उसका यूज नहीं करना चाहती थी। हालांकि लिन कहती है कि वो इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि अगर उन्होंने उसका यूज करके नहीं देखा तो वैसे भी कुछ टाइम में वो मारी जाएगी। पर इस पर यूवी कहती है कि इस मेडिसिन को खाने से शायद वो अभी ही मारी जाए, जबकि अगर वो इस तरह से बीमार रहकर जीती है तो सालों तक जी सकती है, और उसकी तबीयत इतनी खास भी खराब नहीं है कि वो चल फिर भी ना पाए, इसीलिए जब तक उन्हें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो ऐसे किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि लिन फिर से वहाँ बगीचों की तरफ आ गई थी, जिससे कि वो फिर से अनयू से मिल पाए। वहाँ पर अनयू उसे अपना बोट दिखाता और कहता है कि अगर उसे प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ पर थोड़ी देर वो घूम सकते हैं। वो बोट में बैठ जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी हालत और खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। अभी अनयू युआन से कह रहा था कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे इसकी सारी यादें चली जाएगी, इसीलिए वो ऐसा कर नहीं रहा। तभी वहाँ दूसरी बोट पर वो लोग यूवी को देखते हैं, जो कि अभी खुद से कह रही थी कि उसे खुद को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि असल में लिन को वो बीमारी यूवी को बचाने की वजह से हुई थी, इसीलिए वो उसके लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। वो सोच रही होती है कि अगर वो खुद को खत्म कर देगी तो शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब लिन को होश आता है तो वो अपने घर में अपने कमरे में थी, लेकिन वो हैरान थी। वो सोच रही थी कि शायद उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था। वो अभी बहुत गुस्से में थी, इस वजह से यूवी जो उसके लिए सूप लाती है वो उसे नीचे गिरा देती है। हालांकि जब यूवी अपने घर से मेडिसिन के लिए निकल गई थी, तब लिन उस दूसरी मेडिसिन को, जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है, उसे पी लेती है। वैसे ये मेडिसिन भी काम नहीं करती और ये भी सिर्फ एक टेम्पररी इलाज है, इसीलिए वो वापस से वहाँ से उन बगीचों की तरफ चली गई थी, जहाँ पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात अनयू से होती है। और वो बोट पर चले जाते हैं और इससे लिन को पता चलता है कि कल जो भी हुआ वो उसका सपना नहीं था। वैसे यहाँ पर अनयू बताता है कि उसे एक परफेक्ट इलाज मिल गया है, जो कि उसकी बीमारी को परमानेंटली खत्म कर सकता है। लिन तुरंत ही उससे उस इलाज के बारे में पूछती है, जिस पर अनयू बताता है कि इसके लिए उसे अपनी सिस्टर को खत्म करके उसका सारा ब्लड पीना होगा, जो सुनकर लिन हैरान हो गई थी। अब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं। अभी एक नाइट प्रिंसेस पर हमला कर रहा था उसे खत्म करने के लिए। प्रिंसेस अभी सो रही थी, लेकिन उसके आसपास एक बैरियर बना हुआ था जो कि उसे नाइट के अटैक से बचा लेता है। पर तभी अचानक से प्रिंसेस की नींद खुल गई थी। वो वहाँ उस नाइट को देखती है और उसे हग कर लेती है। असल में ये उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया एक स्पेशल नाइट था। वो कहती है कि शायद तुम यहाँ पर भी मुझे बचाने के लिए आए हो। वैसे तभी वहाँ पर उन्हें आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बाहर से आई थी। प्रिंसेस समझ जाती है कि शायद उन पर हमला हुआ है। वो तुरंत ही उस नाइट के साथ वहाँ पर बाहर आ जाती है। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि अभी लिन और यूवी दोनों ही पकड़ लिए गए थे और मोफी उन दोनों से फाइट कर रही थी। फाइट के दौरान वहाँ पर प्रिंसेस और वो नाइट पहुँचते हैं। प्रिंसेस नाइट से कहती है कि वो उन्हें खत्म कर दे। वैसे इस दौरान लिन और यूवी ने खुद को आजाद कर लिया था, लेकिन वो नाइट यहाँ पर उन तीनों पर हमला करने के बजाय उन दोनों फेरीज यानी कि यूवी और लिन पर हमला कर देता है। यहाँ पर अभी वो तीनों दुश्मन नाइट से कह रहे थे कि आखिर उसने प्रिंसेस को अभी तक क्यों नहीं मारा। लेकिन अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस से लिन की उस मेमोरी वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी लिन ने यूवी और अनयू को साथ में देख लिया था। अभी यूवी कह रही थी कि अब वो और लिन का ख्याल नहीं रख सकती, वो उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। वो चाहती है कि वो खुद की लाइफ मजे से जिए, इसलिए वो कल उसे छोड़ देगी। ये सब देखने के बाद लिन बहुत हैरान थी। वो वहाँ पर छुपकर रो रही थी, क्योंकि वो अपनी बहन को खत्म नहीं कर सकती और उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे अपनी बहन को मारना होगा, और साथ ही साथ उसे एक प्यार में धोखा भी मिला है, तो इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि अभी यूवी खाना बनाते वक्त लिन से कह रही थी कि वो आज आखिरी बार उसके लिए खाना बना रही है, क्योंकि कल वो उसे छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि उसे अपना प्यार मिल चुका है। लेकिन ये सुनते हुए लिन फैसला करती है कि यही उसकी बहन को खत्म करने का सही मौका है। वो तुरंत ही एक चाकू निकाल लेती और यूवी की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो जल्दी ये समझ गई थी कि वो अपनी बहन को खत्म नहीं कर सकती, इसीलिए वो रुक जाती है। पर तभी यूवी घूमते हुए उस चाकू को खुद ही मार लेती है और कहती है कि अब वो बच सकती है।
वो कहती है कि वो उसे वहाँ उस लेक के पास ले चले। लिन तुरंत ही उसे उठाकर वहाँ लेक के पास आ जाती है। यहाँ पर अभी यू ही लिन से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि माफ करना, मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, मुझे तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ा जैसे कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वहाँ पर अनयू भी आ गया था। वो बताता है कि यूवी ने खुद को सेक्रीफाइस किया है तुम्हें ठीक करने के लिए। यहाँ पर यूवी की सोल जा चुकी थी, मतलब कि अब वो मारी जा चुकी है, लेकिन लिन अपनी बहन को सेक्रीफाइस करके खुद को जिंदा नहीं रख सकती थी। इस वजह से वो उसे उठाती और वहाँ पर लेक के अंदर जाने लगती है। युवान उन दोनों को ही रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना ही वो उन्हें रोक सकता और ना ही उन्हें कुछ कह सकता है। तभी अनयू कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम दोनों फिर से मिल सकती हो, और कहता है कि अगर तुम परमिशन दो तो तुम रीइनकार्नेट कर सकती हो फेरिस बनकर। इस पर लिन ने हाँ कर दी थी। इसके बाद जब वो फ्लावर को टच करती है तो वहाँ पर उन दोनों के आसपास एक एनर्जी फैलने लगती है, जिसके बाद वहाँ पर एक प्लांट ग्रो हो गया था और वो दोनों उस प्लांट के अंदर चली गई थी। वो बताता है कि तुम अगली वर्ल्ड में फेरी सीड्स की मदद से रीइनकार्नेट होगी। वैसे युवान भी बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो यहाँ पर अनयू पर हमला कर देता है। हालांकि अनयू उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन युवान रुकता नहीं, वो बार बार उस पर हमला कर रहा था। अब अनयू उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसे लात मारता और नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि मैंने इन दोनों की मदद की है और इन्हें बचाया है, तुम आखिर मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर युवान कहता है कि तुम इस पूरी वर्ल्ड को और यहाँ के लोगों को सिर्फ गेम और गेम के कैरेक्टर की तरह समझ रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अनयू उस पर हमला करके उसे नीचे गिराता और कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम फ्यूचर को बदल नहीं सकते। वैसे अब इसके बाद अचानक से युवान नोटिस करता है कि वो वर्ल्ड रीस्टार्ट हो चुकी है और अब युवान भी वहाँ की चीजों को टच कर सकता है। इसका मतलब अब उसे भी वहाँ पर सब देख पाएंगे। अब यहाँ पर फिर से युवान अनयू पर हमला कर रहा था। युवान उसके आर पार हो जाता है और अनयू से कहता है कि तुम मुझ पर अब हमला नहीं कर सकते, तुम बाकियों को दिखाई दोगे और तुम उनसे बात कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम इस वर्ल्ड में कैद हो। तुम इस वर्ल्ड से तभी निकल पाओगे जब तुम लिन और यूवी के पास्ट को चेंज कर दो। अब युवान इसके लिए तैयार था, हर चीज बिल्कुल सेम तरीके से होती है। युवान ने ये देखने के लिए वो सच में चीजों को छू सकता है कि नहीं, तो उसने एक पेड़ को पंच किया था जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई थी। तभी वहाँ पर यूवी आती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ पर तो चोट लगी है। उसके बाद वो जबरदस्ती उसके हाथ पर बैंडेज बांध देती है। बाद में युवान और यूवी की फिर से मुलाकात होती है। युवान कहता है कि उसके पास लिन के लिए एक मेडिसिन है, लेकिन बाद में यूवी बताती है कि उसने ये मेडिसिन पहले ही ट्राई कर लिया है और ये कुछ भी काम नहीं आई। युवान कहता है कि कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा इलाज ढूंढ लेंगे। बाद में वो जाकर लिन से मिलता है, जहाँ पर वो लिन को अकेले में बताता है कि उसकी बहन यूवी हर एक कोशिश कर रही है जिससे कि वो उससे नफरत करे, लेकिन उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि जो उसका इलाज उसे मिला है उसके लिए एक स्पेशल ब्लड की जरूरत है, और अगर लिन यूवी को हिट करेगी तो वो उसके ब्लड का यूज करेगी गुस्से में आकर और बच जाएगी। ये सुनने के बाद लिन कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, अब वो यूवी की चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि लिन युवान और यूवी तीनों बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर यूवी युवान को थैंक्स कह रही थी क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था मेडिसिन ढूंढने में। लेकिन अचानक से यूवी सो जाती है, साथ ही युवान भी सो गया था। उसे जानने को मिलता है कि खाने में नींद की दवाई मिली थी और ये काम लिन का था, उसने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बीमारी की वजह से उसकी बहन बहुत परेशान है, इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो खुद को मार लेगी जिससे कि उसकी बहन परेशान ना हो, और अब वो ऐसा ही करती है। अब जब यहाँ युवान को होश आता है तो वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है। वो तुरंत ही उस लेक की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो देखता है कि यूवी अभी लिन को उठाकर वहाँ पानी के अंदर लेकर जा रही है। तभी वहाँ पर अनयू आता है। वैसे युवान उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अनयू युवान को बताता है कि उसने फ्यूचर को चेंज नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ सिनेरियो बदल दिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक वो दोनों सिस्टर को बचा नहीं लेता तब तक वो इस मेमोरी वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाएगा। युवान कहता है कि उसे एक और मौका चाहिए, इस बार वो जरूर कामयाब हो जाएगा। अनयू कहता है कि ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, इसके बाद मैं वर्ल्ड को रीसेट नहीं कर पाऊंगा। अब वो तैयार था, वो सारी चीजें फिर से होती है, युवान कुछ भी चेंज नहीं करता। लेकिन अब वो रात आ चुकी थी जब यूवी लिन को किसी तरह से मैनिपुलेट करके मना लेती है कि वो उसे खत्म कर दे। लिन भी चाकू लेकर यूवी को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उसके नजदीक भी पहुंच सके इसके पहले युवान वहां पर आता है और चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अब बस कर दो, तुम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रही हो, इसका कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो तुम ऐसे ही आराम से पूरी लाइफ जियो, क्योंकि अगर तुम में से कोई एक भी मरेगा तो दूसरा अपने आप ही मारा जाएगा। इतना कहते हुए वो चाकू छीन लेता है। ये सुनने के बाद वो दोनों बहनें रोने लगी थी। युवान सोचता है कि शायद उसने फ्यूचर बदल दिया,
अब जब वो वहां से बाहर आता है तो आन्यू उससे कहता है कि शाबाश, तुमने तो सब कुछ सही कर दिया, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बदल सकते क्योंकि एक बार जो हो गया वो हो गया, अब उसे चेंज करना मुमकिन नहीं है। युवान वहीं पर रोने लगता है और सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक से वो एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था जहाँ पर अभी वो लेन को देख पा रहा था। लेन उससे कहती है कि भले ही जो पास्ट में हुआ तुम उसे बदल नहीं पाए या फिर कोई भी उसे बदल नहीं सकता, लेकिन लेन वो सारी चीजें याद कर रही थी जो युवान ने उसे बचाने के लिए किया था और वो उसे थैंक यू कहती है और उससे माफी मांगते हुए उसे किस भी करती है। साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हारे दोस्त रियल वर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके बाद युवान अपनी रियल वर्ल्ड में जाने लगा था, लेकिन उसके पहले ही वो बेबी ड्रैगन आता है और कहता है कि उसे भी रियल वर्ल्ड में जाना है। वो भी असल में उस ड्रैगन की सोल थी जो कि बाहर है। अब वो दोनों ही वहाँ पर पहुँचते हैं, वो सोल वापस से ड्रैगन के अंदर इमर्ज हो जाती है। यहाँ वो ड्रैगन और युवान दोनों ही उस लेक के अंदर से बाहर आते हैं। वो ड्रैगन अभी सीधा जाकर उस नाइट के ऊपर गिरा था। बाद में युवान प्रिंसेस से कहता है कि तुम अभी यहाँ से जाओ। वो उसे ड्रैगन के ऊपर बिठा देता और कहता है कि अब हमें इन लोगों को खत्म करना चाहिए। वो तीनों लोग देखते हैं कि उनके जो साथी नाइट था वो ड्रैगन की वजह से नीचे गिर चुका है, हालांकि वो अभी तक ठीक था और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तभी लिन युवान के पास आकर उसे गले लगा लेती है जिसके बाद उनके आसपास एनर्जी फैलने लगी थी। वो नाइट कह रहा था कि हमें इन्हें रोकना होगा क्योंकि ये मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और उससे पहले ही लिन और युवान मर्ज हो चुके थे और इसके बाद युवान के अंदर पावर आ गई थी सेम वैसे ही जब वो मोफी के साथ मर्ज हुआ था। लेकिन युवान नोटिस करता है कि ये पावर अलग है। वो देख पा रहा था कि उसके पास वाटर पावर है, शायद वो सी गॉड बन चुका है। लेकिन युवान ने अपनी वाटर पावर से उसके आसपास पानी फैला दिया था जिससे वो चुटकी बजाते ही उसे फ्रीज कर देता है और अब वो वैम्पायर नाइट वहीं पर जम जाता है। वैसे वो दूसरा वाला लड़का भी युवान पर ही हमला कर रहा था लेकिन युवान उसे भी फ्रीज कर देता है और वो तीसरा वाला इस वक्त यूवी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन युवान आगे बढ़कर उसे भी फ्रीज कर देता है। बाद में वो देखता है जो एक लड़का और बचा है वो इस वक्त उस ड्रैगन को पकड़े हुए है जिससे प्रिंसेस वहां से भाग ना पाए, लेकिन युवान तुरंत ही उस रस्सी को काट देता है जिससे उस लड़के ने उस ड्रैगन को पकड़ रखा था और अब बाद में वो भी उसे वहां से फेंकते हुए फ्रीज कर देता है। लेकिन अब इतने में उस नाइट ने अपने आसपास की बर्फ को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब वो युवान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था। युवान उससे कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो इसीलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन तभी वो नाइट अपनी एक स्पेशल स्वॉर्ड वहां पर समन कर लेता है जो कि अच्छी खासी स्ट्रांग थी, इसीलिए युवान रिस्क नहीं लेता और मोफी से उसके साथ मर्ज होने को कहता है। अभी यहाँ वो ऑलरेडी लिन के साथ मर्ज था, इस वजह से जब वो मोफी के साथ मर्ज होता है तो उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है क्योंकि अब वो डबल गॉड की पावर को ओन कर रहा था। वो तुरंत ही हवा में आता और पानी के अंदर से एक ट्राइडेंट बाहर निकालता है जिसे लेकर वो उस नाइट से लड़ रहा था। वो नाइट भी अभी अपने वेपन का यूज करता है, उन दोनों के वेपन टकराते हैं। दोनों ही वेपन काफी स्ट्रांग थे लेकिन युवान की पावर ज्यादा साबित होती है और वो नाइट को वहां से दूर हटा देता है, लेकिन उस नाइट ने भी हार नहीं मानी थी जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी। दोनों ही बहुत ताकतवर थे जिस वजह से ये फाइट लगभग बराबरी की लग रही थी। यहाँ पर युवान अभी खुद को सच में एक गॉड समझ रहा था और वो सोच रहा था कि वो सारे एनिमे की यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो तुरंत उस नाइट को फिर से पीछे हटाते हुए एक वॉल को समन करता है जिसमें बहुत सारे पोर्टल्स थे। पोर्टल्स के थ्रू बहुत सारे आइस क्रिस्टल अभी सीधा उस नाइट की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी स्पीड बहुत तेज थी लेकिन वो नाइट किसी भी तरह से उन्हें डॉज कर रहा था, पर तभी एक क्रिस्टल उसके पैर में लग जाता है जिससे उस नाइट को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में अब उसने अपने बहुत सारे क्लोन क्रिएट कर लिए थे जो कि मिलकर अभी सीधा उस वॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में आने वाले क्रिस्टल को भी वो बहुत ही स्पीड से खत्म करते जा रहे थे, लेकिन तभी युवान पानी के अंदर एक वाटर टॉर्नेडो क्रिएट करते हुए उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वो उस असली वाले नाइट पर भी हमला करके उसे सीधा ब्रिज पर ले आता है। और अभी वो नाइट हिलने के भी हालत में नहीं था, इसीलिए युवान एक बड़ी सी एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जो कि बहुत पावरफुल थी और उसकी मदद से अब वो उस नाइट को खत्म करने वाला था। लेकिन वो ऐसा करे इसके पहले ही प्रिंसेस सामने आ जाती और कहती है कि वो इस नाइट को ना मारे। अब युवान उसकी बात मान लेता और उस अटैक को आसमान की तरफ कर देता है। वहां पर एक बहुत तेज धमाका होता है। वैसे अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इस वजह से मोफी और लिन वहां युवान की बॉडी से वापस बाहर आ जाते हैं। यहां नीचे आने के बाद अभी प्रिंसेस उस नाइट पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि आखिर तुमने युवान पर हमला करने की कोशिश क्यों की, वो बहुत ताकतवर है, तुम उसे हरा नहीं सकते। साथ ही वो उसे फिर से हक करते हुए कहती है कि हमें अब वापस से किंगडम की तरफ चलना चाहिए, लेकिन वो नाइट दुखी था क्योंकि उसने प्रिंसेस को धोखा दिया। वो वहां से जाने लगता है। प्रिंसेस समझ गई थी कि अब वो फिर से कभी उसे देख नहीं पाएगी, इस वजह से वो रो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पानी के अंदर कई सारे फ्लावर्स निकलना शुरू हो जाते हैं
और उन्हीं में से एक बड़ा सा फ्लावर भी निकल कर आता है, जिसके बाद लिन वहाँ उस फ्लावर के ऊपर आ गई थी। वो बताती है कि भले ही युआन ने इसकी मेमोरी को सही करने की कोशिश की, लेकिन वो अंत में सही नहीं हुई। असल में तो उसे अपनी सिस्टर को मारा ही है, इसी वजह से वो खुद को इसके लिए माफ नहीं कर सकती। हालांकि अब वो दुखी नहीं है, लेकिन वो इस लेक के अंदर एक स्पिरिट बनकर रहना चाहती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर यूवी लिन से पूछ रही थी कि वो उसके बिना कैसे रहेगी, जिस पर लिन कहती है कि अब से युआन और बाकी सभी उसकी फैमिली है, उसे लिन को भूलना होगा। अभी यूवी दुखी नहीं थी, वो युआन को थैंक यू कहती है क्योंकि युआन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब उसकी सिस्टर दुखी नहीं है, इसीलिए यूवी खुश है। वो तुरंत ही वापस से युआन के फोन के अंदर चली जाती है। यहाँ पर अभी मोफी युआन से कह रही थी कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके स्पिरिट वर्ल्ड को वापस रीबिल्ड करेगा, क्या वो ये बात भूल गया? जिस पर युआन कहता है कि नहीं, वो अपने प्रॉमिस कभी नहीं भूलता। इसके बाद अब मोफी भी वापस से उसके फोन में चली जाती है। वैसे वहाँ पर अभी प्रिंसेस खड़ी हुई थी। युआन उससे कहता है कि हमें भी अब किंगडम की तरफ वापस लौट चलना चाहिए, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों ही उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। अभी जाते वक्त प्रिंसेस युआन को एक और फेरी सीट दिखाती है और कहती है कि ये उसे एक गुफा के अंदर मिला था। ये देखकर युआन का मूड खराब हो गया था क्योंकि अब उसे फिर से एक साइको फेरी के साथ डील करनी होगी। लेकिन इसी के साथ ये सीजन और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।